Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आपके साथ हूँ IBPS क्लर्क के लिए इंग्लिश क्रैश कोर्स लेकर. तो जैसा कि आप सब लोगों ने डिमांड की थी कि सर बेसिक से करवाना, तो जो आज की क्लास है ना, प्रेपोजिशन को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और जिस तरह के क्वेश्चंस प्रेपोजिशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, वही हम लोग करने वाले हैं. देखो, प्रेपोजिशन में हमने जब एक बार क्लास में पूछा था ना कि भाई बेसिक से बता दो कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, तो एक सबसे ज़्यादा कमेंट किया जाने वाला जो टॉपिक था वो अपना था प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन को ही आज हम लेकर आए हैं. तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग, एक बार फटाफट बताओ. और फिर आज के सेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट करने लायक मिलेंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि आप लोग प्रेपोजिशन के क्वेश्चन इसीलिए गलत कर लेते हो. आपको लगता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग उसको सॉल्व कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में कुछ ना कुछ ट्रिकी अप्रोच लगा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. तो गुड आफ्टरनून सर गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी बढ़िया. ओके, एक काम करिए, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ना, एक बार इस सेशन को फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बन जाएगा आप सब लोगों के लिए. ओके, तो देखिए, प्रेपोजिशन में आप सब लोग जानते हो क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन दिक्कत आती है कि जब नई नई चीज़ें आपको मिलती हैं ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो आपके सामने एक इमेज आएगी और उस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उस इमेज से देखिएगा कि कैसे आपको प्रेपोजिशन को समझाने की कोशिश की गई. तो इमेज आपकी स्क्रीन पर है, जरा गौर से समझना. देखो, एक सीढ़ी आपको दिख रही होगी और एक बॉल होगी. इस सीढ़ी और बॉल के साथ आपको गेम खेलना है. जब वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है? वो बॉल आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने किसका यूज किया है? अप का यूज किया. और देखो, ऊपर की ओर जाने के लिए हम हिंदी में भी ऊपर ऐसे लिखते हैं, तो जब इसका रोमन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? यूपी आ जाएगा. मतलब जब कोई चीज ऊपर की ओर जाएगी मोशन में, कैसे? मोशन में. तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? अप का यूज करेंगे. देखो, बॉल जो है, अगर एरो देखना, एरो की डायरेक्शन देखना, तो ये जहां से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? अप का यूज. और देखो, ऊपर के लिए हम ऐसे ही तो लिखेंगे, ऊपर यूपी तो आ ही जाएगा, तो अप मतलब ऊपर की ओर जाए जब मोशन करते हुए. इसी तरह जब अपोजिट कंडीशन बनेगी, मतलब नीचे की तरफ कोई चीज आएगी, डाउन होगी, कैसे? डाउन होगी, तो फिर नीचे की तरफ आएगी. ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? डाउन का यूज करेंगे. ये याद रखना कि यहां पर दोनों जगह जो अपना फैक्ट आएगा वो कौन सा फैक्ट आएगा? मोशन वाला फैक्ट आएगा. मतलब गति करते हुए ऊपर जाओ तो अप, गति करते हुए नीचे आओ तो डाउन. क्लियर है ना? फिर उसके बाद देखें ओवर. जब कोई बॉल दोनों तरफ आपकी कवर कर रही हो, क्या कर रही हो? दोनों तरफ कवर कर रही हो, जैसे ये कंडीशन बनी और इधर से इधर तक आपकी कंडीशन बन रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे? ये बॉल इधर से चली और इधर जाके इधर तक आ गई, तो ऐसी कंडीशन में आपने किसका यूज किया? ओवर. ओवर का मतलब है जब हम एक वर्ड लिखते हैं कवर, तो जब ये बॉल इधर से इधर आई बॉक्स को, तो एक समय पे उसने इस पूरे बॉक्स को कवर किया. क्या किया? कवर किया. और कवर में से अगर हम सी हटा दें तो मेरे पास क्या बचता है?
ओवर बसता है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि ये बॉक्स है और ये बॉल इधर से उधर गई, मतलब इस बॉल ने इस पूरे बॉक्स को कवर किया और कवर में से सी अगर हम रिमूव कर दें तो मेरे पास क्या रह गया, ओवर रह गया। तो ओवर का यूज तब करते जब एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से कवर करे, ठीक है। आगे टू, टू के लिए हमने कई बार आपको बताया है कि जब कोई चीज कहीं पर जाए डिस्टेंस क्लियर करे, जैसे ए पॉइंट है और ये रहा आपका बी पॉइंट, क्या रहा ए पॉइंट बी, ए अगर बी की तरफ जाएगा तो ये डिस्टेंस क्लियर करेगा और डिस्टेंस क्लियर करने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, टू का। जैसे हम बोले आई सेड टू यू, क्या बोले आई सेड टू यू, तो मेरे मुंह से शब्द निकले और आपके कान तक उसने दूरी तय की, मेरे मुंह से निकले शब्द और उन्होंने कान तक दूरी तय की, ऐसी सिचुएशन में किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। अवे फ्रॉम मतलब जब कोई चीज एक जगह से बहुत दूर चली जाए, अवे फ्रॉम का मतलब है वो जिस जगह पर जा रही है ना वो पॉइंट ना बताया जाए। टू और अवे फ्रॉम में डिफरेंस समझो, टू में ये बता दिया जाता है कि वो चीज कहां तक गई, आई सेड टू यू मेरे शब्द निकले और आप तक पहुंचे, तो इसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट दोनों को यहां पर इंडिकेट किया गया। बट जब चीज चली जाए दूर और पता ना हो कहां गई, उड़ती चली जाए, आपको ये एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है, उसका डेस्टिनेशन पता ही नहीं है और डेस्टिनेशन ना पता हो तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज करते हैं, अवे फ्रॉम का यूज करते हैं। समझ आ रहा है ना, चलो आगे बढ़े। पास्ट, जब कोई काम बहुत पहले हुआ हो और इसका इफेक्ट हमारा प्रेजेंट में भी हो तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इनटू, मोशन के लिए, इनटू का यूज किसके लिए करते हैं, मोशन के लिए करते हैं जब हमारी स्टेट चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए, स्टेट चेंज अगर होती है तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा वॉटर टर्न्स इनटू आइस, तो देखो यहां पर टर्न्स, अभी ये पानी था, लिक्विड था, कैसा था, लिक्विड था, अभी ये कैसा बन गया, सॉलिड, तो इसकी स्टेट चेंज हो गई और स्टेट चेंज होने की कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, नाउ व्हेन नॉट नोन देन दे, हाँ बिल्कुल सही है नीति चोपड़ा जी, जब हमें डेस्टिनेशन पॉइंट ना पता हो ना तो हम अवे फ्रॉम का यूज करते हैं। सेशन को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को इतना ईजिली बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग शेयर करिए इसको, ठीक है। इनटू हो गया, आउट ऑफ का मतलब है कि जब कोई चीज अंदर से बाहर की ओर आ रही हो, जब अपनी पोजिशन को, जब अपनी प्लेस को कोई छोड़ रहा हो ना, बाहर आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज करेंगे, आउट ऑफ का यूज करेंगे। अराउंड, जब चारों तरफ से घेर लिया जाए उसको, अराउंड का मतलब क्या होता है, जब उसे चारों तरफ से घेर लिया जाए तब अराउंड का यूज करते हैं। ऑन टू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करना है कि आपके सामने होता है कीवर्ड और लिखते हैं लॉग ऑन टू www. तो देखिए लॉग ऑन टू, जब कोई चीज जमीन से, ग्राउंड से रिलेटेड हो और फिर कहीं पर काम करें, टच करें उसको, उसके ऊपर बार बार उसकी फिजिकल पोजिशन को चेंज करने की कोशिश करें तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं, ठीक है। बच्चा ऑफ, ऑफ का यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, जब दूरी बनानी हो, क्या बनानी हो, दूरी बनानी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जैसे अगर आपके सेलफोन में पावर है तब तो ठीक है, नहीं है तो क्या यूज करते हो, स्विच ऑफ, या फिर आप क्या यूज करते हो, लाइट ऑफ। क्यों, क्योंकि इनसे हम थोड़े समय के लिए दूरी बना रहे हैं, कुछ समय के लिए फिर इनके पास आएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में किसका यूज करेंगे, ऑफ का। नेक्स्ट आपके सामने अक्रॉस, जब एक जगह से दूसरी तरफ कोई चीज जाएगी क्रॉस करके, कैसे, अक्रॉस का मतलब है एक तरफ से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इमेज। चलो अब नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ रही है, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उसमें भी आपको मिलेंगे। ऑफ के लिए हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ऑफ के लिए दूरी बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इमेज आपके सामने, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और चीजों अगर आपको पसंद आए ना तो नोट जरूर करना इसको, ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए उसमें दिया गया इन द बॉक्स, फिर से एक बॉल और बॉक्स के साथ आपको गेम खेलना है, तो जब वो बॉल आपके बॉक्स में पूरी तरह से बंद थी, किसमें, वो बॉल बॉक्स में बंद थी, स्टेबल थी, कैसी थी, स्टेबल थी, एक जगह पर चारों तरफ से बंद थी, तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज किया, इनका यूज किया।
ऑन द बॉक्स कब यूज किया, जब वो उसको टच कर रही है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सरफेस पे टच करें, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑन का। अंडर द बॉक्स का मतलब, हमने एक दिन आपको पेड़ बना के भी समझाया था कि अंडर द बॉक्स का मतलब है एक पर्सन आपका यहां पर बैठा हुआ है जो कि पेड़ के करीब भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। जब परपेंडिकुलर हो, उसके आसपास हो, तो ऐसी कंडीशन में अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे आपके सामने नेक्स्ट टू द बॉक्स। नेक्स्ट का हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल पास में, जैसे अगर आप लोग प्लेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए, तो तीन सीट है, एक पर्सन तो आपका एक पर्सन तो आपका इधर बैठा हुआ है, किधर बैठा हुआ, तीन लोग अगर सीट पे बैठे हुए हैं, ये आपने देखा कि तीन सीट है आपकी, ठीक है, और एक पर्सन यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है और एक यहां बैठा हुआ है, तो ये इसके नेक्स्ट टू हो गया। क्या हो गया, नेक्स्ट टू हो गया, जाकर के इस चीज का याद रखना। ठीक है, आगे है बिटवीन द बॉक्सेस। जब दो के बीच की बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। आगे है अमंग। जब मोर देन टू की बात करेंगे तो अमंग का यूज करेंगे। ये जनरल कंडीशन की बात करें, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के सामने, जब उसके सामने आ जाएंगे, बिहाइंड द बॉक्स पीछे, ये आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद अबव द बॉक्स है कि जब वो उस बॉक्स से बहुत दूर हो, उससे दूरी बना ली हो, बिल्कुल फ्री मोड में हो। कैसे फ्री मोड में हो, तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज करते हैं, अबाउट द बॉक्स। और बिलो द बॉक्स क्या है कि बॉक्स के नीचे जो लेवल है वो नीचे की ओर बताया जाना चाहिए। नियर द बॉक्स, बॉक्स के पास में। फार फ्रॉम अवे मतलब बॉक्स से बहुत दूर। तो ये थोड़े से आसान कॉन्सेप्ट थे इसमें, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़े बड़े जो प्रेपोजिशन होते हैं ना, जो प्रेपोजिशन के टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको इजिली सॉल्व आप इनमें करा सकते हो। तो एक बार बताओ इमेज कैसी लगी आपको, और जो भी प्रेपोजिशन आपको ना आती हो ना, जिस प्रेपोजिशन में आपको दिक्कत हो, जो प्रेपोजिशन आपके लिए टफ हो, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उस प्रेपोजिशन पर वर्क कर लेंगे। ठीक है, और वही प्रेपोजिशन कल आपकी क्लास में करवा दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस से अपने क्वेश्चन से। सर क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा। तो इमेजेस ठीक लगी, एक बार फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। हाँ, क्या बात है, सबको समझ। हाँ देखो, आसान कॉन्सेप्ट सारे आसान ही होते हैं, यस कॉन्सेप्ट सारे आसान ही होते हैं, उनको ध्यान से समझना होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपका टाइम स्टार्ट। ओके, टाइम अप गाइस। चलो इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब दो। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, फाइंड द एरर। एक सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो जो डिवाइड करने वाले पार्ट्स है ना, उनमें कोई गलती हो सकती, तो बताना आपको किस पार्ट में गलती है। चलो जल्दी से बताओ, प्रपोजिशन वीक है तो सेशन को देख लीजिए। यू हैव कल्टिवेटेड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग व्हाट समवन सेज टू यू एंड समबडी, दिस विल लैंड यू इन अ ट्रबल, इन ट्रबल। यू हैव कल्टिवेटेड अ वेरी बैड, इसमें गलती है, या हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग व्हाट में गलती है, या समवन सेज टू यू में गलती है, या एंड समबडी हिज विल लैंड यू इन ट्रबल में गलती है। प्रेपोजिशन की गलती है भाई, किसी और चैप्टर में मत जाओ, सिर्फ केवल आपको फोकस करना है प्रेपोजिशन में। किस पे फोकस करना है, प्रेपोजिशन पे फोकस करना है। हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग व्हाट, कमेंट करके भी बताते जाओ कि क्या गलती है सेकंड में। ये बिल्कुल सही है कि एरर आपकी सेकंड में है। किस पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है। दरअसल होना क्या चाहिए, यू हैव कल्टिवेटेड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लिसनिंग, ऑफ नॉट लिसनिंग टू व्हाट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू व्हाट होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको एक बात बता रहे थे, उस फैक्ट,
उस लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो लॉजिक ध्यान से सुनना कि कोई चीज़ आपको सुनाई तभी देगी जब मेरे मुंह से चल के आपके कानों तक पहुंचेगी। और ऐसी कंडीशन में जब डिस्टेंस क्लियर करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप फंस सकते थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, क्या आएगा, व्हाट से पहले में टू का यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन पढ़ने में बहुत सारे लोगों को सही लग रहा होगा, बट यहाँ पर कंसेप्ट आपका कैसा था, गलत था, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा था। समझ गए ना? ओके, लिसनिंग टू व्हाट, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का सही था, ये अच्छी बात है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप गाइस, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस सेंटेंस में भी आपको एरर फाइंड करनी है, जल्दी से एरर फाइंड करके बता दीजिए। सेकंड में ऑन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं I am limping because of severe pain in my injured knee. So right now I desperately need a stick to walk. ये आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज का। कुछ लोग कह रहे हैं सेकेंड, कुछ लोग कह रहे हैं फोर्थ, जो भी पार्ट आपके अकॉर्डिंग है ना, एक बार कमेंट करके ये भी बता दो कि आपके अकॉर्डिंग गलती क्या है। पार्ट तो बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एक बार ये भी कमेंट करके बता दो गलती क्या है। स्टिक विद, ललिता कुमारी जी कह रही हैं, चमन लाल जी कह रहे हैं कि डी, डी मतलब फोर्थ पार्ट में, एक बार कमेंट करके बता दिया करो क्या गलती है। आज का बाउंसर तो नहीं है, एरर तो है इसमें, और सही जवाब बहुत सारे स्टूडेंट दे चुके हैं। देखो सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी वर्ड का अनदर वर्ड के साथ रिलेशन कनेक्ट नहीं होता है। किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेशन उस वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होता है, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता है, तब हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए अपने फोर्थ पार्ट में, किस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में जो आपको नजर आ रहा है, क्या, नीड अ स्टिक टू वॉक। अब क्या करना है उस स्टिक के साथ, वॉक करनी है, तो वॉक विद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉक विद होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हो स्टिक आ गया आपके माइंड में तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो गया, लेकिन भाई जो क्वेश्चन है उसका तो कोई माइंड नहीं है, वो तो नॉन लिविंग है, सेंस के अकॉर्डिंग ग्रामर पढ़नी नहीं है, हमें फैक्ट के अकॉर्डिंग पढ़नी है। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, किसी यंत्र का यूज करते हैं, या जिसे आप लोग कहते हो किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। तो क्या होना चाहिए सेंटेंस, नीड अ स्टिक टू वॉक विद होना चाहिए था। ओके, नीड फॉर नहीं, वॉक विद होगा। ओके, एक बार जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ आया, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो सकता है आप सब लोगों के लिए। आप हमेशा याद रखा करो कि किसी भी प्रेपोजिशन का यूज हम सिर्फ एक काम के लिए करते हैं, वो है कि प्रेपोजिशन अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन कनेक्ट करता है। तो स्टिक और वॉक का रिलेशन कनेक्ट करने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन चाहिए। स्टिक आपका एक इंस्ट्रूमेंट ही मान लीजिए या नॉन लिविंग थिंग मान लीजिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। एक बार कमेंट करके बताओ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जल्दी से कमेंट करिए, समझ आया, वेरी गुड। ओके, विद आएगा, थोड़ा सा टफ था, और आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दी गई है, कल हमारे दिनेश सर लाइव आकर आपको ये बात कई सारी चीजें क्लियर हुई, तो उसमें आपको बताया गया कि बेसिक इंग्लिश की जो क्लास है
ऑल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, चाहे आप अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, या आप नोट्स बनाना चाह रहे हो, जिनको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, बेसिक इंग्लिश पढ़नी है, तो उनके लिए क्लास कितने टाइम है आपको पहले से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, डेली आपकी क्लास होगी 7 PM। कितने बजे क्लास होगी? जिसमें अगर किसी को ट्रांसलेशन नहीं आते हैं वो भी सीखने को मिलेंगे, किसी को अगर कोई चीज़ लिखनी नहीं आती है वो भी सीखने को मिलेगा, अगर किसी को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। मतलब वो क्लास ऐसे चलेगी, हम किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे, हम अपने स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं कि उनको इंग्लिश सिखानी है, उनके लिए इंग्लिश को आसान बनाना है। तो कितने बजे से? डेली 7 PM से स्टार्ट होगी, और वहां पर हम किसी एग्जाम नहीं, हम आप सबको टारगेट कर रहे हैं, कि एक छोटा सा टारगेट ये है कि आप सब लोगों को वहां पर इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर IBPS आ गया, क्लर्क हो गया, ठीक है, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस लेके चलना होता, वहां मेरे पास सिलेबस की बाउंडेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो शाम को आइएगा, शाम को 7 बजे, और हर चीज आपको मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पोकन वर्ड्स, डेली वोकैब, जो आपको चाहिए वो सारी चीजें मिलेंगी। एक बार ज्वाइन करके देखिए, अच्छा लगे तो रेगुलर जरूर आइएगा उसमें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज से होगी वो क्लास, आज से ही होगी, आज पहली क्लास होगी, ठीक है। टाइम अप गाइज, चलो जल्दी से बताइए। भाई आज से बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एक एक करके आपको सारी क्लासेस बता देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। फॉर शॉपिंग कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट में गोज टू, कुछ लोग कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट बी में गलती है। भाई 1, 2, 3, 4 पार्ट है, बी और ए नहीं है इसमें। वेन एवर सी गोज शॉपिंग विद मी, सी ऑलवेज इंसिस्ट टू हैव ऑल हर डिजायर एंड विम्स फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड। कुछ लोग कह रहे हैं नो एरर है फॉर शॉपिंग, कुछ लोग कह रहे हैं। ये यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप वाउंसर नहीं है, एरर तो है इसमें। आप सबको पता है इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इंसिस्ट के साथ टू नहीं आता है, इंसिस्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑन का। और आप सब लोग जानते हो प्रेपोजिशन के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के ING फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस की कंडीशन क्या बनेगी, इंसिस्ट ऑन हैविंग कर लेना इसको, क्या कर लेना, एक तो इंसिस्ट टू वाला जो पार्ट है वो आपका गलत है, और थर्ड पार्ट में उसी सेकेंड पार्ट में गलती मानो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंसिस्ट ऑन हैविंग होना चाहिए। इंसिस्ट के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करते, ये नोट डाउन कर लीजिएगा और इन चीजों को नोट कर लिया करो। आप लोग नोट नहीं करते हो इसीलिए आपसे जो एरर है ना, आपकी मिस्टेक है ना, वो रिपीट होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आज का सबसे आसान क्वेश्चन था ये, और कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको वर्ब में भी पूछे जा सकते हैं। तो इंसिस्ट ऑन हैव ना होकर के क्या होगा, आप जनरली जानते हो कि टू को छोड़कर बाकी जो प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद हम ing वाली फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को गलत कर लेंगे। ओके नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइम अप गाइस. We all have spoken on various subjects, but the subject that he is speaking is very important considering the present scenario. We all have spoken on various subjects, but the subject he is speaking is very important considering the present scenario. Last में no error. Third में बता रहे हैं कि speaking on होगा, कुछ लोग कह रहे हैं speaking off होगा. संजय साहू जी कह रहे हैं कि थर्ड में एरर है. ओके वेरी गुड, जल्दी जल्दी जवाब देते चलो. बैंक पीओ कह रहे हैं फोर्थ में एरर है. सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं. देखो, वी ऑल हैव स्पोकन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, कई सारे सब्जेक्ट पर बात हुई, बट द सब्जेक्ट ही इज स्पीकिंग. आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में जब दिया गया था तो जब किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो किसका यूज किया उसने, स्पोकन ऑन का यूज किया. जब अनदर पर्सन उसी की बात कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि जब कोई अदर पर्सन स्पीक कर रहा था, किसी टॉपिक को बोल रहा था, तो हमने किसका यूज किया था, ऑन का यूज किया था. अब इसी कंडीशन में जब अनदर पर्सन इसको यूज करेगा तो उसके लिए भी भैया हम यूज करेंगे ना, सेंटेंस का मीनिंग तो क्लियर करना ही है, तो उसके लिए भी करेंगे स्पीकिंग ऑन. जब भी आप किसी टॉपिक पर अपने व्यूज देते हो, कोई टॉपिक किसी के सामने रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं. इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना वो सेंटेंस में ही था, तो वी ऑल हैव स्पोकन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, व्हाट द सब्जेक्ट दैट ही इज स्पीकिंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो. तो आपकी गलती किस पार्ट में होनी चाहिए थी, थर्ड पार्ट में एरर थी. किस पार्ट में, क्योंकि स्पीकिंग वर्ड थर्ड में आया हुआ है और उस जगह पर आपको ऑन का यूज करना है. किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना. एक बार फटाफट कमेंट करके बताओ क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं. देखो जिस तरह के एग्जाम्स की आप लोग डिमांड करते हो, जिस तरह की क्लासेस की आप डिमांड करते हो, तो याद रखिए कि आपको पता है कि यूपी में इस टाइम जो एग्जाम्स की बाहर आई हुई है, चाहे हम बात करें यूपी पुलिस की उसके लिए भी एग्जाम, या वीडियो के एग्जाम की बात करें, मैं खुद यूपी से हूं तो चाहता हूं कि यूपी के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, या अदर स्टेट के लोग भी अगर वहां का फॉर्म फिल किए हैं, तो वो लोग यूपी पुलिस और वीडियो से रिलेटेड क्लासेस को देखना मत भूलें. अपना जो बैचेस है ना, जैसे मैथ्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैथ्स हमारे नमन सर के द्वारा, ठीक है, जीके हमारे संदीप सर के द्वारा, और रीजनिंग हितेश सर के द्वारा, तो ये क्लासेस आपकी चल रही हैं. रात में आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, 10:30 बजे नमन सर मैथ्स की क्लास लेंगे, और जब आप शेड्यूल पे जाएंगे ना तो सभी आपको क्लासेस मिल जाएंगी. तो अपने सपने पूरे करते जाओ भाई, इलेक्शन से एक साल पहले या कुछ मंथ्स पहले का जो टाइम होता है ना, वो गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें आप लोग एग्जाम्स क्लियर करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो. तो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी क्लास मिस हो जाए. तो आज बहुत सारी आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें आपका यूपी पुलिस वीडियो की क्लास तो चली रही थी, सिलेबस लगभग सेम होता है दोनों का, तो आप लोग पढ़ने की उसमें कोशिश करिएगा, ठीक है. तो एक बार शेड्यूल चेक कर लीजिएगा और क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Time up guys, next question is on your screen. When he was engrossed in his studies, a thief entered into his room and took away all his precious belongings. बेटा डाउट क्लियर करते हैं क्लास में, आपके कमेंट्स को ध्यान देते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है.
सर डाउट आते हैं तो क्लियर किया करें आप। गणेश निकम जी, अगर बच्चा आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो। एक्चुअली ऐसा होता है जब ध्यान बोर्ड पर होता है ना या कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं, जब सिस्टम में नहीं देख रहे होते तो आपका कमेंट स्किप हो जाता है। तो आपके पास ऑफलाइन मोड का भी ऑप्शन होता है कि जब वीडियो ऑफलाइन मोड में जाए तो आप कमेंट कर सकते हो, जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा। ये भी एक आसान क्वेश्चन है और हम सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन कोई भी आसान या टफ नहीं होता। इन हिज रूम, बिल्कुल सही है। देखो आप सब लोगों ने देखा होगा कि एंटर्ड के साथ जनरली इनटू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कई सारी कंडीशंस में आपने देखा होगा कि एंटर्ड के साथ इनटू का यूज सही भी होता है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है जब एंटर्ड के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं, और वो कौन सी कंडीशन होती है जब एंटर्ड के साथ इनटू का यूज करते हैं। तो जब फिजिकल मोशन की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, फिजिकल मोशन की जब हम बात करते हैं तो एंटर्ड के साथ इनटू का यूज नहीं किया। जैसे उसने कमरे में प्रवेश किया तो भाई दौड़ के आएगा, फिजिकल मोशन हुई जाकर के, तो ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ एंटर्ड का इफेक्ट बता रहे हैं हम। किसका बता रहे, एंटर्ड का। तो एंटर्ड के साथ फिजिकल मोशन में हम यूज नहीं करते इनटू का। जबकि अनदर कंडीशन आपकी क्या होगी, एंटर का एक यूज हो सकता है, हम कह सकते हैं किसी कोर्स में प्रवेश लेना या किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना। जैसे हम कहें he entered into a new course, क्या यूज किया, he entered into a new course। अब देखो अगर किसी का बेसिक वीक है ना, तो जो शाम को 7 बजे वाली क्लास आज से स्टार्ट हो रही है उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से क्लियर होगा। तो देखो एंटर्ड इनटू फिजिकल मोशन में यूज नहीं करते जब कोई फिजिकली मोशन करे, और ऐसी कंडीशन में एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। लेकिन जब एंटर्ड का मीनिंग फिजिकल इंटरप्शन ना हो, फिजिकल मोशन ना हो, कोई और हो, तो ऐसी कंडीशन में अब कोई और क्या होगा, जैसे उसने किसी कोर्स में एडमिशन लिया तो क्या वो कोर्स में घुस गया जा करके, नहीं भैया, किसी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया मतलब उसने कोर्स में एडमिशन लिया, तो ऐसी कंडीशन में एंटर्ड के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर तो एक पूरा मेरा डेडिकेटेड सेशन है एंटर्ड के ऊपर, एक पुराना वीडियो है आप देखिएगा प्रेपोजिशन से, उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर एंटर्ड के साथ इनटू का कोई यूज नहीं है क्योंकि वो रूम में जा रहा है, फिजिकल मोशन, तो गलती आपकी किस पार्ट में हो गई, थर्ड पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, ठीक है। एनी डाउट, एक बार जल्दी से बताइए, समझ आ गया ना, नहीं यहां यूज नहीं होगा क्योंकि वो रूम में जा रहा है, रूम में जाने का मतलब है कि फिजिकल मोशन है, और फिजिकल मोशन में तो एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। एट मोमेंट याद आया, ये अच्छी बात है। हाँ, रिमूव को, इनटू को रिमूव करना था, वो रिमूव कर दिया। हाँ, फिजिकल मोशन के साथ एंटर्ड के साथ इनटू नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है, ये अच्छी बात है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। माय बॉस इंटरेस्ट मी इन ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क व्हेनेवर ही गोज आउट ऑन वेकेशन विद द फैमिली फॉर मोर देन अ वीक। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर करिएगा, ठीक है, इसको नोट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ यूज करना है, कुछ लोग कह रहे हैं, सेकेंड में एरर, एक बार कमेंट करके लिख दिया करो कि आपके अकॉर्डिंग एरर क्या है। सिर्फ पार्ट बताना जरूरी नहीं होता है, उस पार्ट में क्या एरर है वो बताना बहुत जरूरी होता है। एज ए स्टूडेंट आप लोग ये कोशिश किया करें।
चलो एक बार समझ लेते हैं। देखो एक वर्ड जो अपना यूज हुआ है, कौन सा वर्ड यूज हुआ? इंटरेस्ट। क्या यूज हुआ है? इंटरेस्ट। और हमेशा याद रखना ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसके साथ इंटरेस्ट के साथ हमेशा विद का यूज होता है। इंटरेस्ट के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। इंटरेस्ट के साथ किसी और प्रेपोजिशन का कभी भी यूज नहीं होता है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन का फैक्ट हो गया, इसको जरूर नोट करिएगा। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन से आपको एक कुछ नया रूल सीखने को मिलेगा। तो इंटरेस्ट वर्ड के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं, ठीक है? ओके, इंटरेस्ट मी इन नहीं होकर के क्या होगा? इंटरेस्ट मी विद होगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है? ये चीज नोट कर लीजिएगा कि इंटरेस्ट के साथ आप किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे, ठीक है? एक बार फटाफट बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ आया सबको? जल्दी से कमेंट करके बताओ। और इंटरेस्ट का मतलब वही होता है, इंटरेस्ट विद का मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी को काम सौंपना, हैंडओवर करना, वर्क हैंडओवर करना, ठीक है? हिंदी में हम लिख दे रहे हैं काम सौंपना, किसी को किसी काम की जिम्मेदारी दी जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरेस्ट विद। हाँ, ये क्वेश्चन सबका इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड था। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप, वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसके सेकंड पार्ट में गलती थी। किसमें? सेकंड पार्ट में गलती थी, क्योंकि उसमें जो आया हुआ था, मी आया हुआ था, सॉरी इन आया हुआ था, वो सेकंड पार्ट में आया था, तो वही गलती थी। चलो इसका जवाब दीजिए। नहीं, अपनी ये डेडिकेटेड क्लास आईबीपीएस के लिए चलेगी, उसके बाद जो न्यू क्लासेस आती रहेंगी वो तो आती रहेंगी। वो जो 7 पीएम वाली क्लास है ना, वो क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बेसिक बहुत वीक है। आपको आईबीपीएस क्लर्क की क्लास करनी, उससे बेसिक कंप्लीट करिए, और यहाँ पर जो क्लर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, उनको क्लियर करिए। तो जो डेडिकेटेड क्लासेस है वो तो आपके लिए चलेंगी चलेंगी, साथ ही वो जो क्लास है ना 7 पीएम वाली, वो केवल आपके बेसिक को कवर कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं वो इस क्लास में पूरी नहीं हो सकती। One of my friends proposed me that we should lend that widow 2 million rupees so that they may live her life happily with her children. Okay, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। बिल्कुल, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि प्रपोज्ड को जब भी हम बात करते हैं, किसकी? प्रपोज्ड की जब भी बात करते हैं, या प्रपोज की बात करें, ठीक है, प्रपोज लिख देते हैं हम आपके बोर्ड पर, प्रपोज की जब भी बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 2+ पर्सन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 2+ पर्सन का यूज करते हैं। यहां पर जो आपका मी है वो क्या है? मी आपका एक पर्सन है। मी क्या है? पर्सन है। तो फिर बीच में 2 आना चाहिए। क्या होना चाहिए इस जगह पर? वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड टू मी होना चाहिए था। तो गलती आपकी किस पार्ट में हो गई? फर्स्ट पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में। ये रूल नोट कर लीजिएगा, इस चीज को आगे गलती मत करना। क्या गलती थी? प्रपोज्ड 2+ पर्सन का रूल होता है, तो फिर क्या करना है? प्रपोज्ड 2 करना। यार सिंपल सी बात है कि जब एक के शब्द दूसरे तक पहुंचेंगे तभी तो प्रपोज की बात आएगी ना। तो फिर अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे मुंह से निकले शब्द आप तक पहुंच रहे, इट मींस हम किसका यूज करेंगे? 2 का यूज करेंगे डिस्टेंस क्लियर करने के लिए। ओके, प्रपोज टू मी, बिल्कुल सही है, आप समझ गए ना?
इस इतने आसान क्वेश्चंस में, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इनमें थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता ही है, और टाइम ले लिया करो, लेकिन गलती मत किया करो, ठीक है? ओके, और जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, उनको याद रहे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग और डिस्कस करेंगे। जो अपनी बेसिक इंग्लिश की क्लास है ना, एक बार फिर से हम बता देते हैं, बेसिक इंग्लिश की जो अपनी क्लास है उसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। 7 PM डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कुछ दिनों से जब से हम आपकी क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे, तब से हमने एक चीज़ फील की है कि आपको अचानक से हाई लेवल के क्वेश्चंस में ले जाया जाता है, लेकिन बेसिक चीजें आपको उतनी डिटेल में नहीं बताई जाती जितनी आपको जरूरत है। हाँ, पढ़ाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उतना डिटेल आपको नहीं बताया जाता जितने की आपको जरूरत है। तो उसके लिए आप वो क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहें तो बहुत सारे प्लस कोर्स भी अपने स्टार्ट हुआ, आईबी का प्लस कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और जो रेलवे CVT 2 है उसके ELP का स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे प्लस कोर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आप प्लस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में कुछ ऐड करने के लिए। यहाँ पे अपनी धड़ाके से क्लास चलनी है, एकदम बढ़िया से धमाकेदार क्लास चले, यहाँ से ही सिलेक्शन होते थे और होते हैं, होते रहेंगे। जो अपनी लाइव क्लास यहाँ यूट्यूब पे चले, इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ लाइव क्लास पढ़ के सिलेक्शन हुआ, आगे भी सिलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन जिनको ना कि पर्सनल अटेंशन चाहिए, बहुत सारी चीजें उन्हें क्लियर करनी है, दिन भर उनका पढ़ने का मन करता है, भाई यहां तो 1 घंटे क्लास ले ली, उसके बाद आप क्या करोगे? अब आपका मन है कि हम दिन भर पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तो आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस का मतलब है अपने आप को प्लस करना, अपने आप को स्टडी के कुछ और आवर्स देना, कुछ घंटे और अपने आप को देना, जिससे कि आप स्टडी कर सको। यहां तो गिनी चुनी क्लासेस होती हैं, हमें भी क्लास लेनी, बाकी टीचर्स को भी क्लास लें, लेकिन वहां पर आप चाहें तो प्लस कोर्स ज्वाइन करें और अपने आप को स्टडी में एंगेज सकते हो, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पा सकते हो। वो इसलिए क्लास कोर्स है। सिलेक्शन तो भैया अपने यहां से भी होते हैं, पास्ट में भी हुए, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ठीक है? लेकिन जिनको पढ़ने का शौक है ना, जुनून सवार है ना, उन्हें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, वो लोग प्लस कोर्स जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप गाइस, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। अगर आपको ओनली स्टडी चाहिए तो आपके लिए प्लस कोर्स आपके लिए उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया जिनको ओनली और ओनली स्टडी से मतलब है। चलो अब इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। साउंड क्लियर है भाई? अब साउंड क्लियर है भाई? सुनने की कोशिश करो, अपना ध्यान इधर उधर कर लेते हो तो सुनाई नहीं देगा फिर आपको। द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई यूज टू बी माई फर्स्ट फ्रेंड इन माई स्कूल डेज एंड टूडे। अब साउंड क्लियर है गाइज? अब साउंड क्लियर है? अब सुनने की कोशिश करो। तो देखो यहां पर ब्लाइंड विद ना होकर के किसका यूज करेंगे? ब्लाइंड इन का यूज करेंगे। देखो ब्लाइंड विद जो है वो किसी एक्टिविटी के लिए यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं किसी क्वालिटी के लिए,
किसके लिए यूज करते हैं? क्वालिटी के लिए. तो जो सही जवाब है ब्लाइंड विद ना होकर के किसका यूज करेंगे? ब्लाइंड इन का यूज करेंगे. तो आपकी गलती किस पार्ट में हो गई जाकर के? ब्लाइंड विद किस में दिया गया? विद द आई सेकंड पार्ट में विद ना होकर के क्या करेंगे? इन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? इनका. ठीक है. ओके. कुछ लोग कह रहे हैं बिफोर नहीं होगा. हाँ साउंड बंद हुआ था लेकिन अब क्लियर था. ठीक है. किसी को ब्लेम नहीं कर रहे थे. गुस्सा मत हुआ करो आप लोग. गुस्सा नहीं हुआ करो. अब साउंड क्लियर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Time up guys. This time your false does not admit any excuse and your class teacher is going to give you a very severe punishment. Jaldi se jawab dijiye. This time your false does not admit any excuse and your class teacher is going to give you a very severe punishment. कुछ लोग कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में मोस्टली स्टूडेंट गलती बता रहे हैं. मोस्टली स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में ही गलती बता रहे हैं. बिल्कुल सही है. सेकेंड पार्ट में ही गलती है आपकी. सेकेंड पार्ट में क्या होना चाहिए? एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, क्योंकि वहां पर नीड है हमें पजेशन की. किसकी नीड है? तो ऑफ एनी एक्सक्यूज होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑफ एनी एक्सक्यूज. देखिए दिस टाइम योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, मतलब किसी भी एक्सक्यूज, जो गलती की है उसके लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है. तो क्या होना चाहिए? एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज एंड योर क्लास टीचर इज गोइंग टू गिव अ वेरी सेवियर पनिशमेंट. ओके समझ गए ना? हाँ. अच्छा ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझ लीजिए एक बार. देखो बच्चा, यहां पर बताया गया कि आपने जो गलती की है ना, उस गलती के लिए यहां पर आपको किसी भी एक्सक्यूज, किसी बहाने की जरूरत नहीं. तो हमें जरूरत किसकी है यहां पर? पजेशन की. किसकी जरूरत है? पजेशन की. और जब भी पजेशन की जरूरत होती है तो नॉन लिविंग के साथ हम लोग क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं. बाकी सबके साथ हम किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं. ठीक है. तो सही जवाब क्या था? ऑफ होना चाहिए था. क्लियर गाइस? चलो तो मिलते हैं आज फिर शाम की क्लास में. सर स्क्रीन क्लियर कर देना. आज के लिए इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आज की शाम की क्लास में 7 PM. आज की क्लास लेना मत भूलिएगा. अगर आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा. साथ ही साथ अगर आपका सपना है यूपी BDO वैकेंसी का या यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने का, तो भी आप लोग मैथ्स, रीजनिंग, GK की, हिंदी की डेडिकेटेड क्लास ले सकते हो, जिससे कि आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो, जल्दी से जल्दी आप उनको ज्वाइन कर सकते हो. मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, GK की क्लास, हिंदी की क्लास, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस आपके लिए चल रही है. ठीक है. तो 7 PM मिलते हैं आज की क्लास में. हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए, जिससे कि यहां पर जो डाउट्स आपके होते हैं ना, कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो जो आप डाउट्स यहां पर क्लियर नहीं हो पाते ना आपके, वो डाउट्स क्लियर आपके क्यों होंगे? क्योंकि बेसिक तो आते ही नहीं है आपको. हाई लेवल के क्वेश्चन में डाल दिया जाता. नदी में तैरना नहीं आता, समुद्र में पहुंच जाते हो तो वहां कैसे चलोगे यार, डूब ही जाओगे. ठीक है. तो देखिए इस क्लास को जरूर लीजिएगा. और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें इस सेशन को, और शेयर किया करो अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को ज्वाइन कर सके. और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल का. ठीक है.
ये था, और हम आपको बता दें वो क्लास की हम बार बार बात क्यों कर रहे हैं जो यूपी पुलिस और वीडियो के बारे में आता। देखो यूपी पुलिस में देखो पता नहीं कब से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को सपने में आया वर्दी मिल गई, उनको गवर्नमेंट में ने भी बिल्कुल कह दिया भाई वर्दी मिल गई, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स मैथ्स के लिए बात करें, नमन सर ने इतनी मेहनत की और फिर बच्चों को कहीं कोर्ट्स में फंसना पड़ा, कहीं कुछ और करना पड़ा। तो सर रियली अगर देखा जाए, वैसे मेरी मैथ्स बहुत वीक है फिर भी, लेकिन जो नमन सर के तरीके हैं ना, उन तरीकों को देखने के लिए बड़े फनी टाइप से वो पढ़ाते हैं, क्लास में भी हमने देखा हुआ है, तो उन तरीकों को जरूर फॉलो किया करें। 10:30 बजे जो आपकी मैथ्स की क्लास आने वाली है नमन सर के द्वारा, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, और मैथ्स टीचर्स की बात करें तो सबसे बढ़िया फैकल्टी जो आज तक हमें लगे। अगर बचपन में ऐसे टीचर ने हमें मैथ पढ़ाई होती ना, तो शायद आज हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होते, हम भी मैथ पढ़ा रहे होते, क्योंकि हमें बहुत इंटरेस्ट है मैथ में और जिस तरीके से हमारे नमन सर हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज जरूर नमन सर की क्लास लीजिएगा, पहले तो मिलते हैं 7 बजे और नमन सर की क्लास में आज हम भी लाइव आने वाले, तो आज सब लोग साथ में क्लास लेंगे 10:30 बजे, ठीक है। मिलते हैं पहले 7 बजे फिर 10:30 बजे, उससे पहले जो वीडियो यूपी पुलिस की क्लास है उनमें भी मजे से क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।